नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुराना हासीमाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का आयोजन अग्रामी संगरनामा क्लब की ओर से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत पुराना हासीमाड़ा स्थित अग्रामी संघ क्लब में दीप जलाकर की गई। दीप प्रज्वलन क्लब के संचालक व सताली ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज बुरुआ के हाथों की गई। सताली ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज बुरुआ ने बताया कि इस शिविर हमारे समाज भाईचारा का संदेश देगा। इसका उदाहरण इस शिविर में युवा गर्भ ने भाग लिया है। इतना ही नहीं, इनमें हर समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सुभाष चंद्र बसु जी का जन्मदिन का मुहूर्त पे हम लोग का क्राफ का उद्योग से ये एक रक्तदान शिविर किया जा रहा है। इस सभा जो रक्तदान शिविर हो रहा है, हम लोग हमारा तीन जो प्राक्तन प्रेसिडेंट था जो स्वर्गवास किया है, जो संजीव विश्वास जी, वरुण गंडू जी, अनिल वर्धन जी, इनका शरण में हमारा क्लब अग्रगामी संघ का ओर से ये रक्त स्वेच्छा है जो रक्त सेवन शिविर है, ये हम लोग परिचालना कर रहे हैं। किस तरीके से रक्तदान हो रही है? रक्तदान किस तरीके से हो रही है? रक्तदान अच्छा ही हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से रक्तदान हो रहा है, आज काफी मात्रा में रक्तदान देने के लिए आज लोग उत्साहित होकर आ रहा है। सब कुछ सुनने के साथ साथ यहाँ का बड़ा क्षेत्र का जितना आदमी सब है, जनता लोग है, आके रक्त देने के लिए एक बूंद रक्त एक इंसान का जीवन दान करता है, इसलिए सब उत्साहित होकर हमारा क्लब में आ रहे हैं। देखा जा रहा है ये युवाओं लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जरूर युवाओं का ही जरूरी ज्यादा है। युवा जो है, युवा ही देश का भविष्य तैयार करता है, इसलिए युवा का योगदान सबसे ज्यादा है। आज क्या लग रहा है अनुमान कितने ब्लड यूनिट कलेक्ट हो गए? लगभग मेरा टारगेट था कम से कम 70 यूनिट मैं दूंगा। अगर इन लोग किट लाया तो मैं 100 भी पूरा कर दूंगा।